स्कूलों की मनमानी बढ़ गई है। फीस में वृद्धि समेत कई मुद्दों को लेकर अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर आज छात्रों के परिजनों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं अब निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में कोटा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में अभिभावक और भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की गई। विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। दरअसल जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर प्रवेश को लेकर भाजपा कार्यकर्ता अड़ गए थे। हालांकि पुलिस उन्हें ज्यादा संख्या में जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। वहीं समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। इंडोरेंस स्कूल है मावी नगर सेकंड में, ये लोकेश पांचाल है, इसका लड़का है लोमांस पांचाल। उसका एडमिशन आरटी की पद्धति से हो रहा है, लेकिन वो लेने से मना कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आज 22 जुलाई हो गई, एडमिशन नाम की चीज़ ही नहीं है, और इतना परेशान कर दिया इस लड़के को। उस बच्चे के पिताजी हैं ये लोग, लोकेश पांचाल। इतना गुमराह हो रहे हैं कि ये रोने लग जाता है लड़का। अब इसने मेरे से बोला ऐसी ऐसी बात है, मैं भी इसके साथ घूम रहा हूँ, मैं भी परेशान हो रहा हूँ स्कूल में भी, लेकिन बात को लेके मतलब परेशान एडमिशन के लिए बच्चे को। अब बच्चे इतना समय पढ़ाई का निकलता जा रहा है, अब बच्चा क्या पढ़ेगा? अब वो यूँ कह रहे हैं कि अगस्त में लेंगे सितम्बर में लेंगे। अरे आप कब लोगे बच्चे का? तो पिछली बार भी 11 नंबर पे नंबर आया था, इस बार भी 11 नंबर पे नंबर आया है। आगे पीछे के ले लिए, इस बच्चे को ले लिया और 36 नंबर ले लिया, आपका नाम बता, 18 नंबर ले लिया। कौन सी स्कूल में, कहाँ पर? के पब्लिक स्कूल है, सुभाष नगर सेकंड। तो वो कह रहे कि 3 साल का एग्रीमेंट बना के दो, हम इसकी स्लिप कुछ नहीं देंगे आपको, ये किसी जमा कम से कम 18,000 रुपये मासिक साल के देंगे, तब आप हम इसको आरटी में मानेंगे तो नॉन आरटी। क्या बात हुई आज आप एडीएम से मिलने गए? उनको भी मैंने एप्लीकेशन जो थी वो आरटी का जो फॉर्म जिस नंबर का वो उनको दिया, वो भी कार्रवाई करेंगे आगे जो भी होगा जांच के लिए। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा देने के लिए आरटी अधिनियम लागू कर रखा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले इसकी लिपापोती कर रहे हैं और अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। कानूनों के अनुसार ये होना चाहिए कि जितनी नामांकन संख्या स्कूल में होती है उसका 25% उनको आरटी में लेना पड़ता है, लेकिन स्कूल वाले वास्तविक नामांकन संख्या छिपा लेते हैं। जैसे अगर 100 छात्र हैं तो 25 ही बताते हैं ताकि उन्हें कम से कम आरटी के छात्रों को पढ़ाना पड़े। इसके अलावा आरटी में प्रावधान है कि नर्सरी से लेके उसकी जो अगली शिक्षा 8वीं तक वो भी पूरी निःशुल्क मिलनी चाहिए, लेकिन स्कूल वाले नर्सरी की एलकेजी की एचकेजी की फीस भी अभिभावक से ले लेते हैं और बिना रसीद दिए और धमकी और देते हैं कि अगर आप फीस जमा नहीं कराओगे तो आरटी में आपका बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। इसके अलावा आरटी के अंतर्गत यह प्रावधान है कि बच्चों को निःशुल्क किताबें मिलनी चाहिए, लेकिन स्कूल वाले किताबें नहीं देते। ये कह देते हैं कि साहब आरटी वालों ने 200 रुपये का प्रावधान कर रखा, आप 200 रुपये की सामग्री ले लो, आपको कोई किताब नहीं मिलेगी। इसका तो सीधा सीधा मतलब ये कि सरकार की नजर में 200 रुपये की किताबें पर्याप्त है, या तो आप फालतू की किताबें ले रहे हो या भी 200 रुपये सरकार को बढ़ाने चाहिए। इसकी इन सब मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, क्योंकि शिक्षा संवृत्ति सूची का विषय केंद्र और राज्य इसमें दोनों हस्तक्षेप कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी कार्रवाई के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके गार्जियंस ने एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में इनके द्वारा 2-3 शिकायतों को समाहित किया गया है। जैसे कि पहली जो शिकायत है कि प्राइवेट स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उनकी जो पुस्तकें और कॉपीज होती हैं वो पर्टिकुलर किसी दुकान से ही मिलती हैं और जो दुकान वाला है वो मर्जी से अपनी रेट्स लगाता है, जो कि एक्चुअल रेट से काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा इनका इशू था कि जो आरटी में एडमिशन्स हो रहे हैं उन एडमिशन्स के लिए भी चूंकि निःशुल्क होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स इनके लिए भी इनसे फीस की डिमांड करते हैं। तीसरा इनका इशू था कि जो सरकारी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि सेंट जॉन्स स्कूल और भी स्कूल्स हैं, इनके बाहर जो भारी व्हीकल खड़े होते हैं, ट्रोले खड़े होते हैं, बजरी वाले या अन्य जो भारी वाहन खड़े होते हैं उनको वहां से हटाया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना बच्चों को लेकर के वहां पर ना हो। चौथा इनका इशू था कि जो स्कूल्स हैं वो बच्चों के अभिभावक यदि कोई शिकायत करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा रेज करते हैं तो वो उन बच्चों को परेशान करते हैं, तो उनके लिए उनकी डिमांड थी कि जो कमेटी बनती है स्कूलों में SDMC नाम से जो कमेटी बनाई जाती है वो कमेटी प्रॉपर तरीके से प्रत्येक निजी विद्यालय में बनवाई जाए
और उसका जो उसके जो नाम है उनको डिस्प्ले किया जाए, स्कूल के जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम है, पाठ्यक्रम का तय किया जाना है, ये सभी गतिविधियां उस समिति के माध्यम से ही की जाएं। ये 3-4 इश्यूज आज इन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से रेज किए हैं, तो इसमें जिला स्तर से जो कमेटी बना करके जो भी इसका प्रक्रिया होगी उसके आधार पर इनका निस्तारण करवाए जाने की कोशिश की जाएगी।